हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू रन ग्राफिक्स कोड इन मोबाइल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ग्राफिक्स कोड को मोबाइल में कैसे रन करना है। सो इसके लिए हम जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो टर्बो सी ड्रॉइड है। हम सभी को पता है कि इस एप्लीकेशन का यूज़ हम सी और सी प्लस प्लस के जो कोड है वो रन करने के लिए करते। सो कुछ नहीं, एक सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है कि फर्स्ट मैंने भी जब इस एप्लीकेशन में ग्राफिक्स का कोड लिखा था तो वो रन नहीं होता और फर्स्ट उस पर कोई एरर तो नहीं शो कर दी बट वो कोड रन नहीं होता। यही हमारा प्रॉब्लम है, उसका ही हम सॉल्यूशन इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। सो मैं फर्स्ट आपको वो कोड लिखकर दिखाने वाला हूँ कि क्या होता है और उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलो मैं यहाँ पर एक सिंपल कोड टाइप करता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर जो कोड है वो लिखा हुआ है। सो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा कोड लिया है। इसमें मैं एक जस्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर और दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फाइल का पाथ है वो भी मैं यहाँ पर दिया हुआ है बीन नाम से। ओके, सो अब हम इस कोड को रन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोड में कोई भी एरर शो नहीं कर रही थी। ओके, तो यही होता है कि जब हम कोड रन करते हैं तो कोई भी एरर शो नहीं करती बट कोड है ना वो कितने भी आप ट्राई करो वो कोड रन नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं रन पर क्लिक कर रहा हूँ पर वो कोड है वो रन नहीं होता। तो यहाँ पर होता क्या है, जो हम यहाँ पर जो हमारी फाइल डायरेक्टरी है, यहाँ पर जो हमारी फाइल डायरेक्टरी है बीन, इसका शायद यह प्रॉब्लम है कि ये जो हमारा ग्राफिक्स मोड है और जो ग्राफिक्स के जो कोड थे उनको ये सपोर्ट नहीं करती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो बीन नाम की जो फाइल डायरेक्टरी है उससे हमें चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें जाना है हमारे फाइल में और वहाँ पर आप देख सकते हो इस ऑप्शन को कि चेंज डायरेक्टरी ऐसा एक ऑप्शन है। इसको इसके इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पर जो बीन नाम से जो फाइल डायरेक्टरी है उसे इरेज करना है और यहाँ पर लेना है लिखना है कि बी जी आई। तो बी जी आई टाइप करने के बाद बस हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके, अब फिर हम हमारे जो मेन प्रोग्राम में आ चुके हैं, बस इतनी प्रोसेस करनी है हमें। जस्ट जो बी जी एन हमारी जो फाइल थी पहले बी आई एन जो हमारी फाइल थी उससे हमने उसे चेंज किया और बी जी आई फाइल जो डायरेक्टरी फाइल है उसे हमने चेंज किया। अब हम हमारे जो कोड को रन करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर अभी तक। ओके, सो यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, वो ग्राफिक्स अभी रन नहीं हो रहा है, मतलब जो क्लोज ग्राफ का जो है ना फंक्शन उसको जैसे हमें इरेज करना है यहाँ पर और अब हम इसको रन करते हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली अभी रन हो चुका है। ग्राफिक्स का कोड मोबाइल में सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके, सो बस यही कुछ सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। जस्ट सिंपल एक सॉल्यूशन है, आपको जस्ट इस बी आई एन से बी जी आई में वो फाइल चेंज करनी है। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो और इसकी जो इन्फॉर्मेशन कुछ इंटरेस्टिंग और काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स।